सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइस। मैंने आपको कल कहा था कि जो पकड़ा जाए, किसी ने ये खूब कहा है कि जो पकड़ा जाए वो चोर और जो ना पकड़ा जाए वो सबसे बड़ा शरीफ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं फिर किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, तो गाइस बहुत ही शॉकिंग अपडेट है जो मैं आपके साथ में लगातार शेयर कर रहा हूँ। हम फाइट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, चाहे वो कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो या कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट हो। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ गाइस सीबीएसई क्लास 10-12 की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना है रिजल्ट के रिगार्डिंग भी और साथ ही साथ कुछ और भी। लेकिन आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। यस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा गाइज। यहाँ पे पहले मैं आगे बढ़ूँ, इससे पहले बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि तबीयत मेरा ख़राब हुआ परसों से और मैं वीडियो ज़्यादा अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिया वो बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा लेवल का है। आज भी मैं वीडियो ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाया, ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ बहुत डिले हो चुका है। एनीवेज गाइज, थैंक्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग, फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। तो गाइज यहाँ पे जो है क्लास 10th का 12th का रिजल्ट जो है, यहाँ पे मिक्स्ड जो है चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि सबको पता है कि सीबीएसई के अकॉर्डिंगली क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो 20 जुलाई यानी कि कल निकलने का डेट है। लेकिन क्या कुछ निकल पाएगा, क्या रिजल्ट निकल पाएगा? अब इस पर जब हमने सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल से, काफ़ी प्रिंसिपल से मैंने बात किया, इनफैक्ट मेरी टीम ने बात किया, ठीक है, तो जो रिएक्शंस थे वो मिक्स्ड टाइप से निकल कर के आए। बहुत सारे प्रिंसिपल्स ने कहा अभी उनको आइडिया नहीं है, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स ने कहा कि कल निकल सकता है, मतलब मिक्स्ड रिस्पॉन्स था। अब मैं आपको बता दूं गाइस के एक्सपर्ट्स की माने तो कल रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिले होने के चांसेस पूरी पूरे हैं। 50-50 का चांस है कि कल रिजल्ट निकल सकता है या नहीं भी निकल सकता है। अब यहाँ पे गाइस रिजल्ट में डिले अगर हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो डिले क्यों हो रहा है? कल हमने आपको शॉकिंग अपडेट दिया था अजमेर का, जयपुर का, जहाँ पे स्कूलों ने अपनी वाहवाही करने के लिए बढ़ा चढ़ा करके मार्क्स दिया तमाम स्टूडेंट्स को, लेकिन वो पकड़े गए सीबीएसई पोर्टल पर और सीबीएसई ने उनको सख्त निर्देश दिया, उनको सारे मार्क्स को दोबारा से सुधार करके अपलोड करने का निर्देश दिया। मैंने आपको कल अपडेट दिया था अजमेर का, जहां पर 588 स्कूल्स को नोटिस पड़ा है ज़्यादा मार्क्स को एक्सटेंड करने के लिए, और जयपुर में 70 प्लस स्कूल्स को ये चीज़ें मिली है। लेकिन गाइज अभी से थोड़ी देर पहले मेरे पास में अपडेट एक और आया, शॉकिंग अपडेट आया, और वो अपडेट निकल करके आया है झारखंड से, जहां पर 60 प्लस स्कूल्स को नोटिस मिला है सीबीएसई की तरफ से फॉर इंक्रीजिंग द मार्क्स। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, अगर आपने भी जेईई मेन एंड एडवांस 2023 को टारगेट किया है, अगर आप भी इस प्रेस्टीजियस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट एंड बेस्ट टाइम फॉर यू ऑल, क्योंकि 21 जुलाई से अनअकैडमी इज लॉन्चिंग टू बैचेस, एमर्ज क्लास 11th जेईई मेन एंड एडवांस 2023 एंड एमर्ज बैच 2.0 फॉर जेईई मेन 2023, जिसमें एक्सपर्ट एजुकेटर्स लाइक मनोज चौहान सर, कपिल राणा सर, डॉक्टर सीपी शर्मा सर एंड मेनी अदर्स विल गाइड यू ऑल। साथ ही अगर आप मेरा रेफरल कोड विशाल केयर को भी यूज अगर करते हैं तो आपको अलग से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी तुरंत। सो गाइज डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द ऑफर नाउ। और साथ ही अब तो आपको IIT JEE जुलाई जंबो ऑफर भी मिल रहा है, जिसमें पेड सब्सक्रिप्शन को लेने पर आपको हैवी डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर उसमें मिलेगा 31st अगस्त 2023 तक का एक्सटेंशन। साथ ही अगर आप मेरा रेफरल कोड विशाल केयर को भी यूज अगर करते हैं तो आपको अलग से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी तुरंत। सो गाइज डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द ऑफर नाउ। मतलब आप सोच लीजिए कि स्कूल्स अपने रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। अब मैं खिलवाड़ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूनिक मार्किंग स्कीम था, बात समझ में आता है, ठीक है, तो मार्क्स सबके साथ में फेयर होना चाहिए। पहला तो रेफरेंस ईयर जो 3 साल का बनाया गया वही बहुत टेढ़ा था, ठीक है, 3 साल का रेफरेंस ईयर बहुत ही, ये इस पर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपना हामी दे दिया, परमिशन दे दिया, इसलिए हम आगे कुछ बोल पाना शायद मुश्किल है। लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ कि 3 साल के रेफरेंस ईयर में तो ये भी हो सकता है ना कि किसी स्कूल का मार्क्स परसेंटेज पहले अच्छा नहीं था, तो क्या इस साल का परसेंटेज भी अच्छा नहीं जाए? मतलब अगर आपके स्कूल के पिछले 3 साल के बोर्ड, ठीक है, 3 साल के बोर्ड क्लास 10th के 12th के दोनों रिजल्ट पे मैं आपको बात कर रहा हूँ, अगर 3 साल का आपका बोर्ड का रिजल्ट सपोज 70
80% था या जो भी था, तो उसी से 2-4% ऊपर या नीचे किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता, जो कि अनफेयर लग रहा है मुझे। अब यहां पे जो मार्क्स भी बढ़ा बढ़ा के ये लोग जो दे रहे हैं, ये भी स्ट्रेंज है। आपको मैं बता दूं कि रिजल्ट पे जो जहां तक बात उठ रहा है, ठीक है, तो यहां पे एक शॉकिंग अपडेट मेरे पास में है। यहां पे क्या है कि डिजी लॉकर की तरफ से एक मैसेज आया है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, ठीक है। डिजी लॉकर में यहां पे इनका कहना है कि भाई, क्या इनका कहना है, मैं आपको वो दिखा भी रहा हूं और मैं पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। स्टूडेंट्स, सीबीएसई रिजल्ट फॉर क्लास 10 विल सून बी अवेलेबल इन डिजी लॉकर, ठीक है, जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा डिजी लॉकर पे। साइन अप टुडे टू एक्सेस योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सच एज मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एटसेट्रा। मतलब कि जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। कब अवेलेबल होगा ऐसा कोई अपडेट नहीं है। अगर सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, ठीक है, cbse.gov.in, सीबीएसई रिजल्ट्स, ये तमाम में अगर आप जाते हैं तो वहां पे अभी इस तरह का कोई अपडेट नहीं मिल रहा है जिससे कि पता चले कि कल ही रिजल्ट कंफर्म आ जाएगा, ऐसा कोई अपडेट बिल्कुल भी नहीं है। डिजी लॉकर ने ट्वीट किया है, अलग बात है, लेकिन डिले एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1-2 दिन का डिले हो सकता है, यानी कि हम 50-50 का परसेंटेज लेके चलेंगे गाइज कि कल रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और नहीं आने का पीछे, अगर कल रिजल्ट नहीं आता है तो उसके पीछे तमाम जो एफिलेटेड स्कूल्स हैं जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं वही जिम्मेदार हैं एकमात्र, अगर कल रिजल्ट नहीं आता है तो। वैसे जैसा जैसे अपडेट होगा मैं 100% आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। मुझे भी चिंता है कि मेरा तबीयत ऐसे ही समय पर खराब हुआ जब आप लोगों को मेरी सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है, उस वक्त मेरा तबीयत इस वक्त खराब हुआ। लेकिन अगर कल रिजल्ट निकलेगा तो गाइज आप एकदम निश्चिंत रहो, आपके विशाल सर सुबह से यहाँ पे लाइव रहेंगे, आपके साथ में रहेंगे, आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। लेकिन गाइज यहाँ पे मेरे लिए बहुत शॉकिंग ये है कि 60+ स्कूल्स झारखंड में भी मिल चुके हैं। पता नहीं पूरे भारत की अगर हम बात करें तो कितने ऐसे स्कूल्स होंगे जिन्होंने मार्क्स बढ़ा चढ़ा के दिए, जबकि सीबीएसई ने क्राइटेरिया, मार्किंग क्राइटेरिया जो है वो साफ साफ डिफाइन कर रखा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग हर स्कूल में एक कमिटी सेटअप है जो कि नजर रखेगी कि मार्क्स सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जिसमें प्रिंसिपल खुद हेड है, 5 सब्जेक्ट टीचर हैं, 2 टीचर बगल के स्कूल के हैं, मतलब 8 लोगों का ग्रुप है। अब ये प्रिंसिपल और तमाम टीचर्स होने के बावजूद भी अब आप लोग सोचो कि गड़बड़ियां हो रही हैं, तो मिली भगत के बिना तो ये मार्क्स में गड़बड़ियां हो नहीं सकती। अब आप सोचो कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो लेकिन आपके मार्क्स काट दिए गए, कैसा लगेगा आपको, या आपको कम मार्क्स वाले रेंज में डाल दिया गया, आप समझ रहे हो ना, जैसे 70-80, 60-70। अब आपके मतलब एक, मैं इस बात को शुरू से मान रहा था कि फेवरेटिज्म इस साल बहुत रहेगा, मतलब अगर आप टीचर के फेवरेट हो तो आपके चांसेस बढ़ चढ़ के ज्यादा निकल करके आ सकते हैं, ये मुझे शुरू से लग रहा था। लेकिन इसमें कितना नुकसान हो सकता है, और खास तौर पे जब हम ऐसे ऐसे गड़बड़ियां पकड़ पा रहे हैं कि अजमेर में 588+ स्कूल्स हैं, जयपुर में 70+ स्कूल्स हैं, झारखंड में 60+ स्कूल्स अभी तक पता चल चुका है। खुद जो सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के मिस्टर अशोक वैद, उनका उन्होंने हमें ये अपडेट दिया है कि भाई इतना सारा बड़े पैमाने पे अभी जो है वो गड़बड़ियां पाई गई हैं, सीबीएसई ने नोटिस दिया है। तो गाइज यहां पे मैं सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है इस बार रिजल्ट तो निकलेगा लेकिन काफी अनफेयर मींस के साथ में, काफी गलत तरीकों के साथ में। पता नहीं आप लोग मार्क्स से खुश भी हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, अभी मैं नहीं कह सकता, ठीक है। क्या मार्क्स जाएगा नहीं जाएगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर टीचर ही स्कूल से अगर मार्क्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर दें, मार्क्स के साथ में छेड़खानी शुरू कर दें, तो हम क्या चीज़ का उम्मीद कर सकते हैं। अभी कुछ भी कहना बहुत 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 मुश्किल है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस बार आप अपने कॉपी रीचेकिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम्स हुआ ही नहीं है। अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हो तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, चाहे आप क्लास 10th के हो चाहे आप 12th के हो, आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है कि आपको ऑप्शनल एग्जाम्स में जाना पड़ेगा जो कि 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में होगा। सो लेट्स सी कि क्या होता है। तो गाइज अभी का लेटेस्ट अपडेट बस मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कल का जो है रिजल्ट 50-50 का मैं चांस लूंगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स खुद कह रहे हैं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, 1-2 दिन का डिले हो सकता है, वो भी स्कूलों की वजह से, जैसा मैंने आपको बता दिया। आप बने रहिए मेरे साथ में गाइज, और प्लीज़ अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और हमारे चैनल से आपको प्यार हुआ है थोड़ा भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड यस, आप अपना प्यार शो कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिकमेंड करके जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद हैं। बने रहिए मेरे साथ में, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।